हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और आज है हमारे यहाँ हल्दी, मतलब जिसको हम बाने कहते हैं अपने पहाड़ी रीति रिवाज में। और मेरे साथ है मेरा भाई मनदीप। हेलो। और मनदीप को भी आपने काफ़ी बार ब्लॉग में देखा होगा मेरे साथ। तो अभी बाने दिए जा रहे हैं, मतलब हल्दी लगनी है दुल्हन को। और मैं अपने घर से नीचे जा रहा हूँ क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऊपर है। तो बस फंक्शन कुछ सुबह से थोड़ा बिजी शेड्यूल था, थोड़े अपने निजी काम भी थे और थोड़ा नहाने धोने में, और बाकी ऐसे में ही समय निकल गया गोड़ चराने में पानी चाने में और काफ़ी समय ऐसे ही निकल गया। तो अब जा रहे हैं उनके घर में, दुल्हन के घर में। अब देखते हैं, वहाँ जो भी काम काज होगा वो भी देखना है, और हर चीज़ देखनी पड़ती है गाँव की शादी में। बड़ी खुशी बात है। सर बिदरा डब्बा खाल गया लोल हल्दा को। पिंकी जी ने बोला मत जाना, भीड़ होगी तो मैंने कहा देखेंगे, अकेले मैं नहीं जाऊंगी, डर लगता है। मुझे छुड़वा देना बस, बाकी कुछ नहीं। Yeah.
शादी में हल्दी भी हो गई है, बाने भी हो गए हैं और हम तीनों ने खाना भी खा लिया है और लगभग सारे लोगों ने खाना खा लिया है। तो अब हम तीनों के ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, केले का पेड़ लाना है इधर से ओ वहाँ जहाँ शादी हो रही है, तो बहुत दूर है, लगभग लगभग आधा घंटा आना आधा घंटा जाना, और अब जाते समय तो केले का पेड़ भी ले जाना है। तो जगह पे पहुँच चुके हैं और केले के पेड़ यहाँ पे भी है और केले के पेड़ उधर भी हैं, तो अभी डिसाइड करेंगे कहाँ से काटना है। और बहुत दिनों बाद एक तिमले का पेड़ दिखा, तो पहाड़ी एक फल होता है तिमला, देख सकते हैं आप हरे हरे लगे हैं, अभी पके हुए नहीं हैं। तो इधर ये गांव भी ग्वारी में ही आता है और कम से कम 4 या 5 परिवार यहाँ पे रहते हैं। बाकी देखिए गांव, और जो शादी हो रही है आपको थोड़ा सा टेंट दिख रहा होगा यहाँ से। मार मार मार, एक कटाक मार, उल्टो तक ये लौड़ भैम ने तो ले रहे सीधे तब वाणी भाई ये रुक जा रे ए ए ए हां तो बात थमर फोन दो मैं जरा कर मां ए एक ब्लॉक बीच रे मुन्ना है ये फरवड़ का पॉइंट क्यों सपोर्टर बहुत अच्छी भाई तो ये गर्व है। अरे टपा नहीं आज बढ़िया वाला मटर पनीर। हमारे गांव के सुप्रसिद्ध कारीगर हमारे चाचा जी और राजेश रावत ऐसा खाना बनेगा उंगली चाटते रह जाओगे। हमारे बॉडी बैठे अच्छे कम तो एक बार विनोद दादा पतले पुथे आणु इन्हें बॉडी हेसना चाहिए। और अभी दी तोला 8 गुंदी अमल है।
यो हमारे अनुप भाई जी पानी भरते हुए, चाचा जी विमर्श विचार विमर्श करते हुए, अब दूसरे स्तंभ कारों को मैं पूजा बीच वाला तकरीबन 10 लोग ले गए थे बस। सुजू ओल्ड डिपार्टमेंट के लिए दियो बिल्कुल 42 जन पान चढ़ रहे स्वादिष्ट, भले हम तो मिल नहीं अलग बात बड़े बड़ी जबल मिल तो सुबेर का ही जो रात 1 बजे जा रहा हूँ खरोल जोर से। I'm not afraid to die.